जितना आप प्यार करोगे हर मसल को प्यार करना, आपकी फॉर्म देखो आप। गंदा हुआ भाई मेरे साथ, बहुत गंदा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग, दिस इज ऋषिकेश गुना, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज जो है चेंज डे है और हाँ फाइनल हो गया, मतलब भाई हो जाएगा, पर जिनका एक कंडीशन है कि उनको पूछना है मैनेजमेंट से, टीम मैनेजमेंट से कि ब्लॉगिंग लोग कर सकते हैं कि नहीं। अगर लोग ने ना बोल दिया तो मैं टाटा बाय बाय दी क्लाउड टीम को टाटा बाय बाय कर देंगे भाई, क्योंकि ब्लॉग नहीं करेंगे तो क्या मतलब, वर्कआउट तो दूसरी जगह भी हो जाएगी। बात की बात है, अपनी ब्लॉगिंग अभी चालू है फिलहाल तो। और दूसरा चीज़, अब मैं हमेशा कुछ ना कुछ रोज़ ब्लॉगिंग करूँगा, कुछ ना कुछ दिखाऊँगा, मतलब हर दिन एक वर्कआउट नहीं लूँगा, कुछ चेंजेस करते रहूँगा और दिखाते रहूँगा। और आज हम करने वाले सुपर सेट, तो बने रहो और देखते रहो। अभी तो कार्डियो करेंगे 5 मिनट, जो अपना ब्लड जो है वो अच्छे से हो जाए और ब्रीथिंग भी अच्छे से हो जाए। जंपिंग और थोड़ा पीटी करेंगे और उससे क्या होगा, अपना एब्डोमेन जो है वो अपना एक्टिव हो जाएगा थोड़ा सा, तो वेट उठाने में बहुत हेल्प करता है। तो हर चीज़ को एक्टिव और एक्टिव करके करना है। अभी करेंगे डंबल से थोड़ा वाउंड, जो इंजरी को बहुत ज़्यादा बचाएगा और हर मसल एक्टिव करना, जैसे ट्राइसेप वगैरह शोल्डर वगैरह हर मसल एक्टिव करेंगे, उसके बाद डिप्स मार के फिर चेस्ट लेंगे। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. पहला मारेंगे फ्लैट बेंच, जो रिपीटेशन होगा 12 और फिर 8 फिर 6 और फिर 6 और 8 के बीच में 14 सेट लगेंगे। और जो 12 और 8 के बीच में जो रेंज रहेगा उसका रेस्ट टाइम रहेगा बस 1.5 मिनट से 2 मिनट, इसके ऊपर नहीं आना। और जो हैवी रहेगा, मतलब जो एकदम ज़्यादा माना रहेगा, उसमें 3 सेकेंड का रेट, 3 मिनट का रेस्ट रहेगा। रिपीटेशन 6 होगा क्योंकि ये वर्किंग सेट नहीं है, ये वार्म अप सेट है, तो 6 रिपीटेशन मारेंगे उसके बाद वर्किंग पे जाएंगे, तो बताऊंगा कब वर्किंग होगा मेरा। रेडी बोल। सो भाई ये भी अपना वार्म अप सेट होने वाला है, जो 12:30 लगाया हूँ। ये हो भाई वर्किंग सेट, जो रेपिटेशन होने वाले 12 और रेस्ट टाइम घटाने वाले। वही रखेंगे, बढ़ाना नहीं है क्योंकि ये जा रहा है तो बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पे लोड आ रहा है एक साइड, तो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बढ़ाने गया तो इंजरी हो सकती है, फिर घर पे बैठना पड़ेगा 5-6 महीना, जो शादी से करेंगे और लॉन्ग वेट में फाड़ना है भाई। हम सिखाएंगे तुमको चेस्ट मारना जी, लॉन्ग वेट में मसल को थोड़ा टेंशन देना, जैसे स्लो लाऊंगा स्लो छोड़ूंगा, फास्ट नहीं करना, मैराथन नहीं करना अपने को। ਜੱਟ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੈਂਗਾ ਰਨ ਕਰ
ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰਕਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਫੜਦੇ ਬੰਦੀ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੀ ਦਿਨ ਢਲਦੇ ਹੀ ਜੋ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਬੱਲੀ भाई दस गया दस में फटिक हो गया एकदम से मजा अगर अब पीछता तो सीधा गले में आता भाई ठीक है कोई नहीं दस गया अब अपन वेट बढ़ाएंगे और रेपिटेशन 8 रखेंगे ओके 8 अभी हमने कर दिया 60 टोटल और इसका रेपिटेशन रखेंगे 8 से 10 और पीछे कोई सपोर्टर ले लेंगे कि क्योंकि लास्ट टाइम भी जो मारा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए बिल्कुल रिक्स नहीं लेना एक आदमी रख लेते पीछे लग रहे मत करो रहने लो तो मैं 25 तक जाऊँ 27 तक जाऊँ बीस ही नहीं उठ रहे भाई कहाँ से जाऊँगा 15 उठा दे भाई गंदा हुआ भाई मेरे साथ बहुत गंदा मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं 20 तो उठा ही लूँगा यार 20 भी नहीं उठा पाया 15 भी नहीं उठा पाया 8 साथ उठाया अब 10 देखते 10 कितना जाता है
प्रेस मारा था तो बहुत अच्छा पंप हो गया था। अभी पंप कम, थकान ज़्यादा लग रहा है और जान नहीं रहा इस वजह से, तो अभी एक तगड़ा सा लेंगे जो पंप हो जाए, उसके बाद अपन क्लोजिंग करेंगे और गुरु जी को फोटो भेजना है। ठीक है, एक कोई तो घर पे लेके चला गया, गायब हो गया ये तो हम। बहुत ज़्यादा लग रहा है ना चल। जितना प्यार करोगे, हर मसल को प्यार करना पड़ता है, लेकिन ट्राइसेप जितना छोटा मसल है, ट्राइसेप मतलब बड़ा मसल है, लेकिन जितना प्यार से आप उसको वर्कआउट करोगे, मतलब जितना प्यार से आप लोगे फ्रंट पे स्क्वीज़ करोगे, उतना ज़्यादा लोड आता है, टेंशन आता है मसल पे और उतना अच्छा पंप आता है भाई। तो स्लो मारो, वेट का भी ज़्यादा मजूरी नहीं करना, करेंगे और उसमें देखो इतना मस्त आता ना कि मेरा सबसे फेवरेट यही है, इसे रखूंगा और बहुत प्यार से स्क्वीज करूंगा। सो गाइस, इसी तरह ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मतलब कुछ ज्ञान मिला होगा, और ऐसे ही बने रहो, जुड़े रहो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू। पिछले ब्लॉग में बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने, पूरे 9 व्यू आए, ऐसे देते रहो। उम्मीद करता हूँ कि इस ब्लॉग में 10 हो जाए, 1 व्यू और बढ़ जाए। सी यू, बाय बाय।